लखनऊ में गाय गाय गौ माता, ये गाय गौ माता है, विचार को भी अगर पापा कहे तो बेचारे गरीब को उसका भी मन रह जाएगा, उसे भी पापा कहे तो उसे पापा नहीं, गाय माता के आधार कार्ड बन रहे थे, गाय माता के उधर गाय माता के आधार कार्ड बन कार्ड बनवा रहा था केशव प्रसाद मौर्य पागल आदमी बीजेपी का। और इटावा में एक हमारा भाई अपने बाप की लाश को कंधे पर लेके घूम रहा था, उसे एम्बुलेंस भी मुयस्सर नहीं हो पाई और ये गाय के आधार कार्ड बनवा रहे थे। शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। ये गाय के आधार कार्ड बनवा रहे थे और पीआरडी हॉस्पिटल में 80 बच्चे ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मारे गए और ये आधार कार्ड बनवा रहे थे। है पागलों की टोली नहीं तो अब सोचो, अंधेर नगरी चौपट राजा, ऐसा राजा जो पूरे देश के कर देता, भाइयों बहनों पूरे देश की भाइयों बहनों कर देता ऐसा आदमी। इन पागलों ने गोरक्षा दल बनाया लेकिन आज तक इन पागलों ने नारी रक्षा दल नहीं बनाया। इन गधैया की पूंछों ने बहन बेटी का बलात्कार हो जा कोई बात नहीं, गाय बचनी चाहिए। एक एक गाय कीमती है और इतनी कीमती है कि जब उत्तर प्रदेश में योगी मुख्यमंत्री बना तो उस आदमी ने मुख्यमंत्री आवास को सबसे पहले शुद्धिकरण करवाया, जानते हो किससे? गाय के पेशाब से शुद्धिकरण करवाया, गाय के गोबर से शुद्धिकरण करवाया, गंगा जल से शुद्धिकरण करवाया। अब आप कह लोगे यार ये पागल आदमी क्या बात कर रहा, शुद्धिकरण करवा लिया, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीति है। शुद्धिकरण क्यों करवाया आप ध्यान से समझ लेना, शुद्धिकरण इसलिए करवाया क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास में 15 सालों से शूद्रों का निवास था। पिछले मुख्यमंत्री थे माननीय अखिलेश यादव, शूद्र थे। उससे पहले मुख्यमंत्री थी माननीय बहन कुमारी बहन जी, शूद्र थी। उससे पहले मुख्यमंत्री थे माननीय मुलायम सिंह यादव, शूद्र थे। और इस ठाकुर योगी आदित्यनाथ को साफ साफ पता था कि 15 सालों से इस मुख्यमंत्री आवास में शूद्र रहते हैं और सनातनी विचारधारा का ये पाखंडी, मनुवादी विचारधारा का ये पाखंडी, इसे कैसे गवारा हो सकता था कि वो उस स्थान पे जाके बैठे जिस स्थान पे 15 सालों से शूद्र बैठ रहे हो। तो लिहाजा गाय के पेशाब से, गाय के गोबर से और गंगा जल से उसने उस स्थान का शुद्धिकरण करवाया। इसे कहते हैं जातिगत दुर्भावना। जानते हो अगर इनका मन करे ना, ये रात दिन चाय की जगह गाय का पेशाब भी पीना शुरू कर दे। इनसे कहो और पीना शुरू कर दे साले, अंतड़ी भी शुद्ध रहेंगी तुम्हारी। पेशाब भी पियो तुम, पेशाब भी पियो, पेशाब भी पियो तुम। इनके जैसे गधे पागल पूरी दुनिया में नहीं देखने को मिल सकते, जिन्हें माँ बहन बेटी की इज्जत लूट जाने पे दर्द नहीं होता। एक गाय के मर जाने पर ये जुनैद की हत्या कर देते हैं, एक गाय के मर जाने पर ये ऊना में, गुजरात के ऊना में दलित भाइयों की इतनी पिटाई करते हैं, यहाँ ये इन्हें कहते हैं कि चूतड़। यहाँ पर लोहे की पत्ती मारी और इतनी लोहे की पत्तियां मारी है कि उन बच्चों को दर्द का भी एहसास होना बंद हो गया, इतनी पिटाई की उन बच्चों की। गाय मर जाए तो हंगामा मचा दो, गाय मर जाए लोगों को मारो, गाय मर जाए मनुष्य की ओर मारो पीटो जान से मार दो, लेकिन बहन बेटी की इज्जत लूट जा रहे हैं, लूटने देना। तभी तो उत्तर प्रदेश का राज्यपाल महामहिम है, वो पद है इसलिए महामहिम कहना पड़ेगा, लेकिन वो व्यक्ति जो बैठा पता क्या कह रहा है, वो व्यक्ति कहता है यार ये जो बलात्कार है ये सदियों से होते आए हैं और ये होते रहेंगे, पुलिस इसमें कुछ नहीं कर सकती। ये राज्यपाल कह रहा है गधैया की पूंछ,
राज्यपाल ऐसे शब्द कहेगा, शर्म आनी चाहिए। ये बीजेपी के पागल, बीजेपी के जानवर ही ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब हमारी बहन बेटियां, उनकी इज्जत इज्जत नहीं है। गाय बचनी चाहिए, गाय का मुंह तो चाहिए, गाय के मुंह से ही देश बचेगा, गाय के मुंह से ही अब आगे के सारे विकास होंगे। सारी की सारी तकनीकी गाय के मुंह में चलेगी। गाय का मुंह नहीं तो कुछ भी नहीं, मुंह चाहिए अब इन्हें। ऐसे पागलों को, ऐसे गधों को अकल आनी चाहिए। जानते हो उत्तर प्रदेश में एक योगी आदित्यनाथ पागल आया एक, अच्छा बीजेपी में पागल ही है सारे, इंसान नहीं है इसमें, इंसान है ही नहीं, पागल है। ये भी देखो आवाज बढ़ाए जा रही, कम पागल थोड़ी है, ये आवाज बढ़ा रहे हैं, आवाज बढ़ा रही है, पागल ही है। तो तुम अपना काम कर करो, हम अपना कर रहे। उसने बनाया एंटी रोमियो स्क्वाड, सुनो ध्यान से, किसने बनाया? योगी आदित्यनाथ ने एंटी रोमियो स्क्वाड। अब ये क्या करेगा भाई? ये करेगा, अगर एक लड़का और एक लड़की एक साथ घूम रहे हो, बैठे बात कर रहे हो, तो उन्हें उठाकर जेल में डालो, उन्हें उठाकर जेल में डालो। पर इस पागल को ये नहीं पता कि जो लड़का लड़की एक साथ बैठे हैं, कि जरूरी है उनके आपस में गलत संबंधी होंगे, वो तो भाई बहन भी हो सकते हैं। मेरे साथ हुई एक घटना, अपना मेरा रियल बता रहा हूं। मेरी छोटी बहन, उसकी शादी हो गई अब, तो उसकी शादी के करनी थी तो लड़का देखने जा रहे थे। अब साहब मम्मी पापा मेरठ में पहले से ही थे, तो मेरे पापा ने कहा कि एक काम कर, तू जो है चीनू को गाड़ी में बैठा के ले आ। मैं ड्राइव कर रहा था, मेरी बहन मेरे बाजू में बैठी थी। अब मैं मोदी नगर पहुंच गया, जैसे मोदी नगर पहुंचा तो पुलिस वालों ने गाड़ी रोक ली, पुलिस वालों ने गाड़ी, मैंने सोचा कागज पत्र मांगेगा, मैंने सारे कागज पत्र दिखा दिए, उन्हें बाहर उतर गया। जब मैं बाहर उतर के आया, मैंने पूछा भाई क्या बात है, वो पूछने लगा पुलिस वाला, अरे यार खत्म करो, दे देंगे अभी बात चलती है, अभी बात चलती है। हाँ मैं मोदी नगर में था, पुलिस वालों ने उतार लिया, मेरी सगी बहन मेरे बाजू में बैठी है, वो पूछ रहा है कि ये कौन है। मैंने कहा मेरी बहन है, कह रहा हम कैसे माने। तो मैंने अपना आधार कार्ड निकाला और मेरी बहन ने अपना आधार कार्ड निकाला, तो दोनों के बाप का नाम सेम था भाई साहब। हेलो, मैंने अपना आधार कार्ड निकाला और मेरी बहन ने अपना आधार कार्ड निकाला, तो दोनों के बाप का नाम सेम निकला। और पुलिस वालों को पता लगा, भाई ये तो बहन भाई है। मेरे पास तो आधार कार्ड था, अगर वो बहन मेरी सगी ना हो करके मेरे मामा की बेटी होती तो, मेरे फूफा की बेटी होती तो, मेरे चाचा की बेटी होती तो, मेरे ताऊ की बेटी होती तो, तब मैं कैसे साबित करता कि बाप एक ही है। इसका मतलब ये हो गया, अगर एक लड़की मेरे साथ बैठी है जिसका रिश्ता मुझसे बहन का है, फिर भी ये पुलिस वाले साबित कर देंगे कि यहाँ तुम्हारे गलत संबंध है और मुझे उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा। है पागलों की टोली, नहीं है पागलों की टोली। ऐसे ऐसे पागल बीजेपी में, ऐसे ऐसे पागल भरे पड़े। एक पागल बन की हरकत और बता दो, लखनऊ में गायों के आधार कार्ड बनवाए जा रहे थे, लखनऊ में गाय गाय गौ माता, ये गाय को माता है, बिचार को भी अगर पापा कहे तो बेचारे गरीब को, उसका भी मन रह जाएगा, उसे भी पापा कहे तो, उसे पापा नहीं, गाय माता के आधार कार्ड बन रहे थे, गाय माता के, उधर गाय माता के आधार कार्ड कार्ड बनवा रहा था केशव प्रसाद मौर्य पागल आदमी बीजेपी का। और इटावा में एक हमारा भाई अपने बाप की लाश को कंधे पर लेके घूम रहा था, उसे एम्बुलेंस भी मौसर नहीं हो पाई और ये गाय के आधार कार्ड बनवा रहे थे। शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। ये गाय के आधार कार्ड बनवा रहे थे और पीआईडी हॉस्पिटल में 80 बच्चे ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मारे गए और ये आधार कार्ड बनवा रहे थे। है पागलों की टोली, नहीं तो अब सोचो, अंधेर नगरी चौपट राजा, ऐसा राजा जो पूरे देश की कर लेना, भाई बहनों
पूरे देश की भाइयों बहनों कर देता है ऐसा आदमी। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भजन हलचल न्यूज।